किसान का प्रयोजन गेहूं से होता है, उसके पत्ते और डंठल से नहीं। माली का प्रयोजन फल और फूल से होता है, कांटों से नहीं होता। विद्यार्थी का प्रयोजन शिक्षा है, शिक्षक और विद्यालय नहीं। वैद्यराज का प्रयोजन रोग निवारण है, रोगी का परिचय नहीं। उसी प्रकार मनुष्य का उद्देश्य पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति है, छूटने वाली चीजों की प्राप्ति उद्देश्य नहीं। ओमकार को अगर दर्पण में देखें तो उल्टा दिखाई देता है, ठीक बात है? ओमकार को आईने में देखें तो उल्टा दिखाई देता है। उसी प्रकार शंकाशील और अश्रद्धा भरे हृदय से देखने पर ईश्वर और गुरु की महिमा का दर्शन ही नहीं होता। फिर गुरु साधारण मनुष्य लगते हैं। इसलिए संशय को और अहम को तिलांजलि दे तो गुरु भक्ति की स्वरांजलि गूंज उठेगी। गाड़ी चालक ड्राइवर किसी व्यक्ति को टक्कर मारे तो सजा गाड़ी को नहीं मिलेगी। पुलिस वाले ये नहीं बोलेंगे इस कार को उठाकर जेल में डाल दो, गिरफ्तार कर लो इस कार को, नहीं, जो चला रहा था उसको पकड़ के ले जाएंगे, उस पर केस चलेगा। उसी प्रकार शरीर तो मर जाएगा जिसके द्वारा अकड़ते हैं लोग, पर जीव को यातनामय शरीर धारण करके यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए धनभागी वो है जो शरीर के द्वारा सेवा सुमिरन खूब कर ले, सत्संग खूब सुन ले। कपास में कपड़ा छुपा है पता नहीं चलता, उसी प्रकार युवावस्था में वृद्धावस्था छुपी है, जवानों को पता नहीं, इसलिए जवानी में सोचते हैं खाओ पियो मजा करो, मैकडोनल्ड में चलो पिज्जा और बर्गर खाओ। युवावस्था में वृद्धावस्था छुपी हुई है, आगमन में गमन छुपा है, परंतु पता नहीं। प्यासे के सामने कुआं हो और अनदेखा कर दे तो मूर्ख है, भूखे के सामने खाना पड़ा हो और छोड़कर चल दे तो वो मूर्ख है। अपनों को छोड़कर परायों से मन लगाए और रुचि रखे तो वो पागल है। उसी प्रकार मनुष्य जन्म पाकर पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा न पाए, ज्ञान और भक्ति न पाए तो वो भी मूर्ख ही है। इसलिए हम पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, मेहरबानी है कि हमें ऐसी प्रेरणा दी जो हम गुरु पूर्णिमा के पर्व निमित्त ऐसे स्थान पर आकर बैठ पाते हैं। तितिक्षा शरीर को प्रतिकूलता या गर्मी आदि लगे तो उसको तितिक्षा मानकर भी शांत बैठ पाते हैं। ये कृपा के बिना संभव नहीं। ऐसे लोगों को फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से जन्म कई योनियों में। जरूरी नहीं है कि मरा फिर से मनुष्य ही बनेगा, पुनर्जन्म होता है और जीवन जीने की इच्छा से, और जीने की इच्छा होती है इच्छाओं और वासनाओं को तृप्त करने के लिए समय की मांग से, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए समय चाहिए तो फिर जीवन जीने की इच्छा होती है। जमीन में दबा हुआ बीज सभी शक्तियों को एकत्रित करके ऊपर उठता है, सूर्य दर्शन की प्यास उसे ऊंचा उठने की शक्ति देती है और उसमें अंकुर फूटते हैं। ऐसे ही जिसमें गुरु दर्शन की प्यास हो, गुरु सत्संग की प्यास हो, तो उसमें फिर ऐसे अंकुर फूटते हैं कि वो येन केन प्रकार है गुरु की शरण में पहुंचेगा और उनसे ज्ञान पाएगा, भक्ति बढ़ाएगा।
पर गुरु से ज्ञान और गुरु की भक्ति पाने के बाद ये खास ध्यान रखें, बस दूसरों के चश्मे कभी अपनी आंख पर न पहने, क्योंकि दूसरों के चश्मे पहनने से स्पष्ट नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। मतलब दूसरों की बातों पर ध्यान न दें, स्व अनुभव को देखें। एक बहुत बड़ी उद्योगपति महिला, उसको कुछ लोगों ने कहा कि तुम बापूजी का सत्संग सुनने और उनके सानिध्य में शिविर में क्यों जाती हो। उसने कहा कि मुझे जो मिलता है वहां पर वो अवर्णनीय है। मुझे जाने से वहां पर भगवत सुख मिलता है, भगवत शांति मिलती है, भीतर प्रकाश होता है, राग और आसक्ति का अंधेरा मिटता है, मैं जाती हूं। बोले पर लोग ऐसा बोलते हैं, अमुक टीवी पे ऐसा आता है, तो बोले वो जो बोले, मेरा अनुभव क्या बोलता है, मुझे दूसरों के चश्मे नहीं पहनने। अपना अनुभव क्या कहता है उस पर ध्यान रखकर अपनी भक्ति आगे बढ़ानी चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा ही डालने से, अर्पण करने से घर में लक्ष्मी स्थायी होती है। पर रोज गुरु मंत्र का जप और गुरु चरणों का ध्यान करने से हृदय में भक्ति स्थायी हो जाती है। गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध सींचे थोड़ा सा ही, लक्ष्मी स्थायी होगी हर गुरुवार को। पर हर रोज गुरु मंत्र का जप खूब खूब भक्ति भाव से करें तो भक्ति स्थायी हो जाएगी हृदय में। कर्जा बहुत हो किसी के सिर पर तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को शिवलिंग पर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, फिर बैठ के गुरु मंत्र का जप करें खूब भक्ति से, प्रेम से, उत्साह से, मनोयोग से, तो उसका कर्जा जल्दी उतरेगा। पर गुरु मंत्र का जप घर पे रोज सुबह शाम रात सोते समय भी थोड़ा करें तो चिंताओं का भार, नासमझी का भार उतर सकता है। गुरु मंत्र में शक्ति बहुत है, जैसे गुरु में शक्ति है ऐसे गुरु मंत्र में भी शक्ति, क्योंकि गुरुदेव के मुख से ही तो मिला है। सावन के महीने में कई लोग आश्रम में रुककर अनुष्ठान भी करते हैं, मोक्ष कुटीर के पास बैठकर जप करते हैं वरदादा के सामने, तो उससे भी उनको बहुत आनंद आता है मोक्ष कुटीर के पास बैठकर जप करने से। चतुर्मास में अपने घर पे भी अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई यहाँ रहकर नहीं कर पाए तो अपने घर पे भी। भाई लोग नौकरी धंधा करते हैं, दुकान पर जाते हैं,
तो उनको समय ना मिल पाए और अनुष्ठान करने की इच्छा हो, पर क्या करें, अर्थोपार्जन के लिए काम धंधे पर भी जाना पड़ता है और अनुष्ठान करने की भी इच्छा है कि अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करें, तो लंबा करें अनुष्ठान 40 दिन 2 महीने, तो उसमें क्या आपको जप कम करना पड़ेगा, माला कम होगी पर अनुष्ठान माना जाएगा। सुबह जल्दी उठकर माला करने बैठ गए, फिर शाम को ऑफिस से दुकान से जहाँ सर्विस करते हैं घर आए, हाथ मुंह धोकर जप करने बैठ गए, 2-3 घंटे जप किया, तो माला कम होगी पर अनुष्ठान माना जाएगा। लंबा चलेगा ना, भाई लोग को कर सकते हैं, 2 महीने तक भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, अगर अनुकूल हो तो चतुर्मास में बहुत अच्छा माना जाता है। अनुष्ठान कैसे करना चाहिए उसकी विधि, आश्रम की मंत्र अनुष्ठान विधि नाम की पुस्तक है, उसमें लिखी हुई है। गुरु मंत्र अगर किसी का बड़ा है तो उसका भी अनुष्ठान अधिक दिन तक, 2 महीने 3 महीने तक पूरा किया जा सकता है। और भगवान गुरु जप की संख्या से नहीं बंधे हैं, प्रेम से बंधे हैं। कोई किसी कारण से अनुष्ठान नहीं भी कर पाया तो भी नियमित रूप से 10 माला कम से कम गुरु मंत्र की जप करते हैं, गुरु गीता आदि का पाठ करते हैं तो भी उनको लाभ होगा। हो सके तो, अनुकूल हो तो एक बार गुरु गीता भी थोड़ी थोड़ी करके लिख लेनी चाहिए, अनुकूल हो तो 5 श्लोक लिखे एक दिन में, फिर अगले दिन 5 श्लोक और लिखे, या 1 श्लोक लिखा एक दिन में, अगले दिन दूसरा श्लोक लिख दिया। एक श्लोक लिखने में क्या टाइम जाएगा, 1 श्लोक और अर्थ लिख देने में, रोज एक दिन 1 श्लोक और उसका अर्थ लिख दिया, अगले दिन दूसरा श्लोक और उसका अर्थ लिख दिया। 5 श्लोक लिखना अनुकूल पड़े तो एक दिन में 5 श्लोक और हर श्लोक के नीचे उसका अर्थ लिख दिया। ऐसे भी गुरु गीता एक बार पूरी कर सकते हैं लाल अक्षरों से। संकल्प पूर्वक के हम इस गुरु गीता का पाठ लिख रहे हैं, भगवान शिव जी के मुख से निकले जो वचन हैं वो जरूर हमारे में चरितार्थ होंगे। और फिर गुरु गीता पूरी हो जाए तो गुरु गीता पूरी होने पर अगर अनुकूल पड़े तो 12वां अध्याय भगवद गीता का 20 ही श्लोक हैं खाली उसके, मैं भी सोच रहा हूँ वो लिखने का 12वां अध्याय। एक बार 12वां अध्याय लिख दिया गुरु गीता के बाद, मैंने गुरु गीता एक बार लिखी थी, 12वां अध्याय लिखा, फिर वो अपने नियम के सामान में ही रख दिया और भगवान से प्रार्थना कर दी कि इसमें जो श्रद्धा पराकाष्ठा की श्रद्धा की बात बताई है वो मेरी हो जाए। बस 12वें अध्याय में जिस श्रद्धा की बात बताई है वो मेरी हो, मेरे आराध्य में। बस ये भी कोई नियम नहीं है कि करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई आफत आ जाए, कोई आफत नहीं आने वाली। गुरुद्वार पर गुरु चरणों में आए और गुरु में भक्ति है तो हर आफत शराफत से पीछा छोड़ जाएगी, आएगी नहीं चली जाएगी। अब संध्या करेंगे, संध्या का टाइम हुआ है दोपहर की, तो
थोड़ा ओंकार का गुंजन करके फिर जप करेंगे। हरि
हरि हरि Hare Krishna।